उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में आज से बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक शुरू होगी। दो दिन तक संगम किनारे मिशन यूपी पर होने वाले महामंथन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे। सूत्रों के मुताबिक आज बैठक में कोई प्रस्ताव पास नहीं होगा। सभी प्रस्ताव सोमवार को पेश किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी दोपहर 3 बजे पदाधिकारियों की बैठक में पहुंचेंगे, जबकि अमित शाह सोमवार शाम को उत्तर प्रदेश के पार्टी सभी सांसदों से चुनावी रणनीति पर बैठक करेंगे। कार्यकारिणी में अलग से यूपी पर कोई सत्र नहीं होगा। अमित शाह और मोदी के भाषण में यूपी पर फोकस होगा। आज अध्यक्षीय भाषण के बाद राज्यों की रिपोर्ट पर भी चर्चा की जाएगी। तो आज इलाहाबाद में बीजेपी का संगम है। अमित शाह सोमवार शाम को पहुंचेंगे, बैठक करेंगे। हालांकि पीएम मोदी जरूर आज दिन में यहां पर पहुंचेंगे। आज बैठक में हालांकि कोई प्रस्ताव पास नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोपहर 3 बजे पदाधिकारियों के साथ एक बैठक करेंगे। हालांकि खबर ये आ रही है कि इस कार्यकारिणी बैठक में शायद हो सकता है कि आने वाले यूपी के विधानसभा चुनावों का उत्तर प्रदेश में कौन सा चेहरा वो उतारेंगे वो सामने आ सकता है। यूपी में बीजेपी को सबसे ज्यादा माथापच्ची दरअसल मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार को लेकर ही करनी पड़ेगी और यही पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती भी है। हालांकि राज्य में कई उम्मीदवार सामने आ गए हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में जिन नामों पर विचार होगा उनमें केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य प्रमुख हैं। तो ये तमाम ऐसे नाम हैं जिसमें दिग्गज नाम केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह का शामिल है, वो शामिल है। स्मृति ईरानी जो कि केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री है, केंद्रीय पर्यटन मंत्री महेश शर्मा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य प्रमुख हैं। तो फिलहाल प्रधानमंत्री दो दिनों तक दिल्ली छोड़कर इलाहाबाद में ही रहेंगे। संगम किनारे माथापच्ची और मंथन इस बात को लेकर होगा कि आखिरकार यूपी का जो मोर्चा है वो किस तरह फतह किया जाए। लिहाजा प्रधानमंत्री का दफ्तर पीएमओ से भी चलता रहेगा। बताया ये जा रहा है कि प्रधानमंत्री के साथ ही पीएमओ के तमाम अधिकारी इलाहाबाद पहुंच रहे हैं। उनके लिए खास कार्यालय वहां पर बनाया गया है। काफी ज्यादा ग्रैंड तैयारी की गई है इलाहाबाद में, जहां बाकायदा कंप्यूटर और इंटरनेट की सुविधा है। और ये जो अधिकारी है अगले 2 दिनों तक कार्यालय संबंधी सभी काम यहीं से निपटाएंगे। तो एक मेकशिफ्ट पीएमओ जरूर बनाया गया है इलाहाबाद में और इस पीएमओ को योग दिवस के लिए बने खास बैकड्रॉप से भी सजाया गया है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, उसको लेकर भी काफी उत्साह है और इसलिए शायद इसी थीम के तहत जो पीएमओ कार्यालय है, जो कि मेकशिफ्ट पीएमओ कार्यालय बनाया गया है योग दिवस के लिए, खास बैकड्रॉप से सजाया गया है। पोस्टर में सूर्य नमस्कार की मुद्राएं दर्शाई गई हैं और इसके साथ ही बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह का दफ्तर भी बनाया गया है। बीजेपी नेताओं के बयान अब आपको सुनाते हैं, बता रहे हैं इस बैठक में क्या कुछ खास होने वाला है। में भी दिखता है जिस तरह से असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी और पश्चिम बंगाल और केरला में हमारा वोट बैंक कई गुना ज्यादा बड़ा है, अपने आप में दिखाते एक बढ़ती हुई ताकत। और कांग्रेस केवल पहाड़ी राज्यों तक सिमट कर रह गई और आने वाले एक वर्ष में पहाड़ी राज्यों से भी उनको चलता करेंगे। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है, उत्तर प्रदेश की भाजपा आभारी है कि 72+1 73 लोकसभा सीटें जिताकर यहां से भारतीय जनता पार्टी को भेजा है और विधानसभा के चुनाव में भी देश के साथ अगर उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ना होगा तो कमल का फूल यहां पर खिलना अवश्य हो। कार्य समिति का एजेंडा इसमें तय होगा और जिस तरह से 2 साल पहले नरेंद्र भाई मोदी जी ने
ओथ लेने से पहले कहा था कि मेरी सरकार गरीबों के लिए समर्पित सरकार है, किसान मजदूरों के लिए समर्पित सरकार है, और दो साल में हमने जो किया है वो नीचे तक पहुंचे, इस देश के गरीब का उत्थान हो, किसान को एक सुरक्षा कवच हमने देने का काम किया है, युवाओं को मुद्रा बैंक के माध्यम से स्वरोजगार देने का काम किया है, और दुनिया में जहां इकोनॉमी आर्थिक जहां मंदी है वहीं हमारे यहां हमारी जीडीपी 7.9 है। तो ये तमाम मुद्दे रहने वाले हैं, राजनीतिक आर्थिक और हमारी जो उपलब्धियां हैं, इन सारे विषय पर चर्चा होगी। तो एक उत्साह है, और हाल ही में जो विधानसभा चुनाव हुए हैं 5 राज्यों में, जिस तरीके से बीजेपी का प्रदर्शन रहा है उसको लेके 2 दिनों तक जो ये बैठक होने वाली है इलाहाबाद में, बीजेपी का जो संगम है वो अपने आप में बेहद ही खास होने जा रहा है। और साफ तौर पर रणनीति उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर, जो कि एक तरीके से कहा जाता है सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है, और जिसने उत्तर प्रदेश में फतह पाली वो एक तरीके से पूरी तरीके से नेशनल राजनीति में भी फतह पाने में कामयाब नजर आ